मरकरी बैरोमीटर या बैरोमीटर एक ऐसे डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करती है। और कौन सा प्रेशर मेजर करती है? ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। जो एटमोस्फेयर का प्रेशर बोलते हैं ना, 180 m, 180 m, 1 atmospheric, ये होता क्या है? तो कोई कहेगा 1 atmospheric हम पढ़ते हैं बस, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। किसी को ज़्यादा नॉलेज होगी वो बोल देगा 13.76 cm ऑफ मरकरी कॉलम, शायद सुना भी होगा। नहीं सुना? अच्छा, वो ये बोल देगा 10^5 पास्कल होता है या 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कैसे आया ये वैल्यू? केमिस्ट्री में आप याद करते हैं, पर कैसे आई? पहला साइंटिस्ट जिसने एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वैल्यू को निकाला उसका नाम था टॉर्सली। तो टॉर्सली ने सबसे पहला काम ये किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाला। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला उसको सीखने के लिए पहला एक पॉइंट सीखो कि कोई भी अगर लिक्विड है, वैसे अगले चैप्टर का काम है, कोई भी लिक्विड अगर ट्यूब में है तो उसको उसको जब आप लिक्विड को इसमें डालते हो तो लिक्विड की जो शेप होती है वह ज़रूरी नहीं कि फ्लैट हो। तो हम ऐसे मानते हैं कि फ्लैट है लेकिन होता नहीं। जितनी पतली ट्यूब होगी, मान लो आप टेस्ट ट्यूब बिल्कुल बहुत पतली ट्यूब लो लैब में, तो लिक्विड आपको क्लियर कर्व दिखेगा। इसको बोलते हैं मनिस्कस, इस शेप को बोलते हैं मनिस्कस ऑफ अ लिक्विड। तो ये इसका मनिस्कस है। तो कई लिक्विड का मनिस्कस ऐसा होता है, कई फ्लैट होते हैं। अब उनकी नेचर है, क्यों है मैं बताऊंगा, इसका रीजन आने वाले चैप्टर में। फ्लैट होते हैं पर मरकरी जो होती है ना उसका मनिस्कस ऐसा होता है, ऊपर को होता है। मरकरी ऐसी होती है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर इंट्रा अटोमिक फोर्सेस होती हैं। देखो दो टाइप की फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल में, इंटर और इंट्रा। इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब डिफरेंट। तो जो वाटर जैसे लिक्विड्स हैं उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। मतलब जो ग्लास है ना, ट्यूब का ग्लास है, वो पानी को खींचता है, तो इसीलिए लिक्विड का मेनिस्कस ऐसा बन जाता है क्योंकि ट्यूब खींच रही है तो पानी ऊपर चढ़ता जाता है उसके ऊपर। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है, मरकरी और ग्लास की फोर्स स्ट्रांग नहीं है, तो ग्लास खींच नहीं पाता, मरकरी मरकरी को खींच लेता है। तो देखो शेप ऐसी बन जाएगी क्योंकि मरकरी मरकरी को इनवर्ड खींचता जा रहा है, तो ट्यूब से चिपकने को चिपक नहीं पाती मरकरी, ऐसे बोल सकते हो। चिपकेगी कैसे? क्योंकि फोर्स ही बहुत वीक है मरकरी और इस ग्लास की, और मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो इस तरीके से ये चिपकती है। अगर मान लो मरकरी, अगर आप थर्मोमीटर्स हैं पुराने आते हैं जो जिसमें वो दिखता था टेम्परेचर, डिजिटल वाला नहीं, उसको अगर उसको तोड़ा जाए या अगर वो टूट जाए उसमें मरकरी निकलती है। मरकरी होती बहुत डेंजरस है वैसे बता दूं तो। मरकरी अगर मान लो निकलती है, आप उसको टच करते हो ना, आपका हाथ गीला नहीं होता। आप मरकरी का भरा हुआ टब के अंदर अपना हाथ डाल दोगे और बाहर निकालोगे, हाथ सूखा आएगा बिल्कुल, बिल्कुल चिपकेगी नहीं मरकरी। क्यों? मरकरी मरकरी की अपनी इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। पानी के अंदर हाथ डालोगे गीला हो जाएगा हाथ। क्यों? क्योंकि पानी और हमारे हाथ की इंटर मॉलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। हमारा हाथ जो है वो पानी को खींच लेता है तो चिपक जाता है पानी हमारे हाथ पे। तो सारी गेम इंटर और इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस पे इसका मतलब। तो इसलिए ये मेनिस्कस ऐसे बनते हैं। ये आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे पर अभी जरूरत नहीं है इसकी। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट करना है कि टॉर्सली ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया। तो उसने क्या किया, एक टैंक लिया, एक टैंक लिया और मरकरी से भरा हुआ टैंक लिया। तो उसने जो टैंक लिया, मरकरी से भरा हुआ टैंक लिया और उसमें पतली सी ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब है लंबी सी, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर मरकरी भर ली, राइट। तो उसने एक ट्यूब ली, बहुत पतली ट्यूब है, इसमें उसने मरकरी को फिल कर लिया, अपना हाथ रख लिया, इसे बंद कर दिया, हाथ रख के इस ट्यूब को उल्टा कर दिया, तो हाथ हटाएगा तो मरकरी नीचे गिर जाएगी। तो उसने क्या किया, उल्टा किया इस ट्यूब को और इस टैंक के अंदर भी मरकरी भरी हुई थी, मरकरी ही भरी हुई थी। तो इसने इस ट्यूब को उल्टा किया तो आपकी मरकरी थोड़ी गिर गई, नीचे गिरेगी। नीचे क्यों गिरेगी? क्योंकि यहां पर भी मरकरी का ही टैंक लिया, यहां पर क्या भरी हुई है, मरकरी, ये मरकरी ही मरकरी है। तो उसने क्या किया, मरकरी ली, मरकरी से भरा हुआ टैंक लिया, मरकरी से भरी हुई ट्यूब ली और उस ट्यूब को उल्टा कर दिया और हाथ निकाल दिया। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक है मरकरी ट्यूब में से नीचे गिरी और पूरी की पूरी टैंक में आ जानी चाहिए। मरकरी इस ट्यूब से नीचे गिरेगी क्योंकि वेट मरकरी का नीचे गिरेगा और वो मरकरी कहाँ जाएगी, इस टैंक में मिक्स हो जाएगी और ट्यूब खाली होगी, ऐसा होना चाहिए था। पर क्या हुआ, मरकरी नीचे गिरी, थोड़ी सी नीचे गिरी, फिर गिरना बंद हो गई। अब आप सोच रहे हैं मरकरी नीचे गिरना कैसे बंद हो गई? वो इसलिए
क्योंकि मरकरी चाहती है कि नीचे गिरे, मरकरी नीचे प्रेशर लगा रही है, मरकरी एच हाइट तक आके रुक गई क्योंकि मरकरी प्रेशर लगा रही है नीचे, लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट है, एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर भी क्या लगा रहा है इसके ऊपर, प्रेशर लगा रहा है, और एटमोस्फेयर चाहता है कि ये मरकरी को दबा दूं और मरकरी वापस ऊपर चली जाए। मरकरी चाहती है ये वाली कि मैं नीचे गिर जाऊं और इसको ऊपर उठा दूं, पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। जो साथ में पड़ा हुआ एटमोस्फेयर है वो चाह रहा है कि मरकरी वापस ऊपर चढ़ जाए, मरकरी चाहती है मैं नीचे गिर जाऊं, तो कहीं ना कहीं आके इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मान लो इक्विलिब्रियम एच हाइट पर आ गया, इक्विलिब्रियम एच हाइट पर आ गया, ठीक है यहां तक। तो जब एच हाइट पर इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका मतलब कि, और जो हाइट आई ये आई 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो जब जब उस टॉर्सली ने ट्यूब ली, जब टॉर्सली ने ट्यूब ली, और चाहे बड़ी ट्यूब ली चाहे छोटी ट्यूब ली, मरकरी का लेवल नीचे गिरा और हमेशा 76 सेंटीमीटर पे आगे रुक गया टब में। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना कि 76 सेंटीमीटर हाइट अटेन होगी। तो क्यों होगी, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो इसका मतलब यहां पर जो साइड पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो एच रो जी, ये एच रो जी लगाओ, एच यानी कि 76 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, यानी कि दोनों के दोनों प्रेशर आपस में इक्वल हो गए। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और यहां पर एटमोस्फेयर नहीं है क्योंकि ये बंद है, या वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, देयर इज नो एटमोस्फेयर यहां पे। आपके दोनों क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है। टॉर्सली ने, अगर आप नेट पे सर्च भी करोगे, टॉर्सली ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया था वो वाटर पे किया था, क्योंकि वाटर में नीचे गिरेगा, वाटर प्रेशर लगाएगा और एटमोसफेयर को बैलेंस करेगा। अब वाटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 CGS में, इसकी है 13.6, तो ये थोड़ा भारी लिक्विड है। अब वाटर अगर आप लेते हो सकता है आपको हाइट 10 मीटर लंबी ट्यूब लगानी पड़े। कहाँ, ये सिर्फ 100 सेंटीमीटर में काम चल रहा है, पानी भी करेगा ये काम, कोई और लिक्विड भी करेगा, ट्यूब उसमें बहुत चेंज की, पर लंबी लंबी ट्यूब कौन लगाएगा एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बेस्ट जो लिक्विड निकला वो क्या निकला, मरकरी, और पानी चिपक भी जाएगा ट्यूब पे, मरकरी चिपकेगी भी नहीं ट्यूब पे, तो ये भी बड़ा फायदा था। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो किस तरीके से प्रेशर की वैल्यू हमें हमेशा बोला जाता है कि 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम क्यों है, तो इसीलिए जब आप प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं, ये पढ़ना नहीं आपने, तो एंड में देखें जो प्रेशर की कैलकुलेशन है उसमें हाइट 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी मरकरी की हमें पता है और जी पता है, इन्हें अगर मल्टीप्लाई करें तो प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, 1 × 10^5 पास्कल। तो स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या आ गया, 10^5 पास्कल अप्रोक्सीमेटली, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। तो ऐसे बैरोमीटर काम करते हैं।